नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्रिक ग्रुप में। आज हम बात करेंगे जो मुंबई T20 लीग का सेकंड सेमीफाइनल मैच होने वाला है उसके बारे में, क्या कुछ हमारी ड्रीम 11 होने वाली है, क्या कुछ प्लेइंग 11 होने वाली है, साथ में टीम न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और उससे पहले मैं इंडिया और न्यूजीलैंड की मैच की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो वार्म अप मैच होने वाला है उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हो चैनल पर जाकर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं टीम न्यूज़ और ग्राउंड स्टेटस के बारे में। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका एक एक लाइक मुझे बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए कोई अहमियत रखता हो या नहीं रखता हो, लेकिन मेरे लिए दोस्तों बहुत अहमियत है, इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को। सबसे पहले बात करें मैच का होने वाला है, मैच दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम में ही होने वाला है। आप यहाँ से देख सकते हो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर, सेकेंड इनिंग्स एवरेज स्कोर, लेकिन इतना स्कोर अभी तक देखने को नहीं मिला, क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर है दोस्तों, ये इंटरनेशनल दोस्तों स्टेडियम और इंटरनेशनल स्कोर है, इसलिए डोमेस्टिक में आपके लिए कम स्कोर देखने को मिलेगा। 160 से 65 रन का आपके स्कोर देखने को मिल सकते हैं, 160-65 रन स्कोर देखने को आपको मिल सकते हैं। हाईएस्ट टोटल 230 बनाए दोस्तों, लोएस्ट टोटल आप 172 यहां से देख सकते हो, हाईएस्ट चेस आप देख सकते हो दोस्तों यहां से, लोएस्ट डिफेंड भी आप यहां से देख सकते हो। चलिए देख लेते टीम परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों। इतनी इन्फॉर्मेशन इतने छोटे मैच की आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि इनमें दोस्तों विन करने के चांसेस ज़्यादा रहती है, ज़्यादा लोग वीडियो नहीं बना रहे दोस्तों, इन पर फोकस नहीं कर रहे, लेकिन हम इसी पर फोकस कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले सुबो सुपरसोनिक्स के संभावित 11 के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। टीम न्यूज़ में अभी नहीं दे पा रहा, क्यों मैं टीम न्यूज़ आपको दोस्तों टॉस के बाद ही दूंगा, जो अपडेट हो जाएगी दोस्तों, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें दोस्तों सुपरसोनिक्स की, जेविस्टा आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, और दोस्तों ठीक ठाक इन्होंने बल्लेबाजी करके दिए, टीम के कैप्टन भी हैं, 14, 24, 13, 27, 33, तो ठीक ठाक बल्लेबाजी करके दिए। वहीं बात करें दोस्तों हरेश की, हरेश का भी दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, आप यहां से देख सकते हो। पराग दोस्तों इनके लिए की फैक्टर साबित हुए हैं, आप यहां से देख सकते हो, पहली मैच में इन्होंने 96 रन की इनिंग्स खेली थी, इसमें भी दोस्तों ये रन आउट हुए थे। उसके बाद 15 रन 1 विकेट, 45 रन 1 विकेट, 9 रन 2 विकेट, लास्ट मैच में 21 रन 2 विकेट इन्होंने चटकाए थे दोस्तों। वहीं बात करें योगेश की, योगेश भी दोस्तों इनके लिए की फैक्टर साबित हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो, 7 रन 14 रन 32 रन 40 रन, मतलब इन्होंने का इनका परफॉर्मेंस अच्छा लगातार सुधरा ही है। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ से देवधर की, देवधर के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो 33 रन 1 विकेट, दो रन 2 विकेट, 9 रन दोस्तों। उसके बाद बात करें रोहन राजे हालांकि लास्ट मैच में खेलते हुए नजर नहीं आए थे, शायद इस मैच में खेलते हुए नजर आ जाए, कि इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, 18 रन 2 विकेट, 14 रन 1 विकेट, 1 विकेट 0 रन बनाए दोस्तों इस मैच में इन्होंने, 10 रन 1 विकेट, 17 रन 1 विकेट। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ से धुरमिल की, धुरमिल को आप यहां से देख सकते हो, इन्होंने अभी दोस्तों लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, 3 विकेट चटकाए थे लास्ट मैच में। वहीं बात करें दोस्तों आलम की, आलम ने दोस्तों ठीक ठाक गेंदबाजी की, इतनी अच्छी गेंदबाजी भी नहीं की, लेकिन इनकी गेंदबाजी में दोस्तों इनकी टीम में इतनी अच्छी गेंदबाजी भी है नहीं। वहीं बात करें दोस्तों माली के बारे में, आप यहाँ से देख सकते हो शुरू में इन्होंने विकेट जरूर चटकाए। वहीं बात करें दीपक सेट्टी, इनकी टीम से सबसे सफल गेंदबाज, 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, लगभग आप यहाँ से देख सकते हो 5 मैच में 3, 4, 5, 6 और 7 विकेट, 7 विकेट चटकाना दोस्तों T20 में 5 मैच में 7 विकेट चटकाना एक मतलब अच्छी गेंदबाजी अपनी एबिलिटी को प्रदर्शित करता है। वहीं बात करें दोस्तों यहां से आकाश टाइगर्स के बारे में, तो आप यहां से देख सकते हो आकाश टाइगर, अर्जुन तेंदुलकर दोस्तों जो कि इनकी टीम के लिए इंपैक्ट प्लेयर साबित हुए हैं, आप यहां से देख सकते हो 23 रन लास्ट मैच का भी, लास्ट दो मैच में भी दोस्तों 28 रन 3 विकेट, लास्ट मैच में 10 रन 1 विकेट इन्होंने निकाला, एक आध कैच भी पकड़ा था। वहीं बात करें ठक्कर को मौका दिया गया था दोस्तों, जिनके जो रेगुलर ओपनर हैं उनकी जगह ठक्कर को मौका दिया गया था, तो शायद इस मैच में उनके रेगुलर ओपनर की भी वापसी हो सके। इन्होंने 65 रन बनाए दोस्तों, इन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिया। उसके अलावा गोमिल दोस्तों लास्ट मैच मौका नहीं दिया गया था, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में, तो शायद इस मैच में इन्हें मौका मिल जाए, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों यहाँ से कि इन्हें मौका मिलने वाला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और आखिरे की जगह दोस्तों गोमिल को मौका मिलने वाला, क्योंकि गोमिल का आप परफॉर्मेंस देख सकते हो और यहाँ से आखिरे का परफॉर्मेंस देख सकते हो। जो भी न्यूज़ आएगी मैं टॉस के बाद कन्फर्म तो आपके लिए करा ही दूंगा। इनके विकेट कीपर दोस्तों इतने इम्पैक्ट साबित नहीं हुए, हालांकि ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, लेकिन इतने अच्छे इन्होंने बल्लेबाजी नहीं की, लगभग नंबर 4-5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। भाई मुलानी की बात करें दोस्तों, इनके लिए मुलानी काफ़ी शानदार प्लेयर साबित हुए, लास्ट दो मैच भी आप यहाँ से देखते हो 40 रन 1 विकेट, 60 रन 1 विकेट, मतलब काफ़ी इम्पैक्ट इनिंग्स इन्होंने खेल के
जी भाई बात करें सैगड़े आपके लिए खेलती हुई नजर आ सकते हैं दोस्तों, और इनका सबका परफॉर्मेंस देख सकते हो। धवल कुलकर्णी दोस्तों कई मैचों में बल्लेबाजी से भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, मतलब 15-20 रन का स्कोर करके दिया था। एक मैच में 15 किए थे, एक में 11 किए थे, और लगातार एक एक विकेट तो ये हर एक मैच में निकाल ही रहे हैं, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। भाई बात करें सलमान खान ने जरूर दोस्तों अच्छी गेंदबाजी की, इन्हें 3 मौका दिया गया और इन्होंने 4 विकेट यहाँ से चटका के दिए हैं दोस्तों। अजय पांडे आपके लिए खेलती हुई नजर आ सकते हैं। चलिए तैयार कर लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन की। विकेट कीपिंग सेक्शन में दोस्तों आपके लिए यहाँ से सुब्रमण्यम सौंदर ऑप्शन हो जाता है, भाई टक वाले आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है। आप दोनों में से किसी को टीम में ट्राई कर सकते हो। यहाँ दोस्तों सुब्रमण्यम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन टक वाले ने इनसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। खास बात दोनों ही आपके लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने हुए नजर आ जाएंगे। आप चाहो दोनों को टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो किसी को अवॉइड भी कर सकते हो। मैं यहाँ से टक वाले को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, और दोस्तों यहाँ से मैं डी सुब्रमण्यम को अवॉइड कर रहा हूँ। भाई बात करें दोस्तों यहाँ से बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की, बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों पवार आपके लिए खेलती हुई नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हें लास्ट के 2 मैचों में लगातार मौका नहीं दिया जा रहा। उसके अलावा आपके लिए गोमेल खेलती हुई नजर नहीं आएंगे, शायद इस मैच में आखिरी की जगह मौका देगी दोस्तों। जैसे ही आखिरी की जगह गोमेल को मौका देगी, मैं यहाँ से इन्हें टीम में ट्राई कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जेबेस्ट आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे और ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। आप चाहो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो गोमेल को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। गोमेल यदि खेलेंगे दोस्तों टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, या तो आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे या फर्स्ट या सेकंड राउंड पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। मैं यहाँ से दोस्तों जेबेस्ट को टीम में ट्राई कर रहा हूँ। भाई ठक्कर के बाद बात की जाए दोस्तों ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मैच में आपने देखा था कि 65 रन की शानदार इन्होंने इनिंग्स खेल के दी थी, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। भाई तनक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है, ये भी आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। इन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दिया है, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। मेरे पास थोड़ी क्रेडिट की इशू आ रहा है, इस वजह से दोस्तों मैं यहाँ से आखिरी को टीम में ट्राई कर रहा हूँ। यदि मुझे पता लगेगा कि आखिरी की जगह दोस्तों यहाँ से गोमेल खेलने वाले हैं, तो मैं गोमेल को टीम में ट्राई करूँगा। और यहाँ से दोस्तों ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में रंधावा के अलावा कोई इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। हालांकि रंधावा ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन फिर भी टीम इन्हें मौका दे सकती है। चलिए बात करते हैं यहाँ से ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात करें तो आपके लिए काफ़ी शानदार ऑप्शन हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ से 4 ऑलराउंडर ही आपके लिए बहुत इंपैक्ट प्लेयर साबित हो सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ए भी टॉप ऑर्डर में फर्स्ट राउंड पर बल्लेबाजी करेंगे, और अर्जुन तेंदुलकर आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। मुलानी भी आपके लिए इतनी नीचे बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आएंगे, लगभग 4-5 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। उसके अलावा राजे आपके लिए शानदार ऑप्शन है, ए भी आपके लिए टॉप ऑर्डर में ही लगभग 4-5 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए ए भी आ जाएंगे। तो चारों ऑलराउंडर इंपोर्टेंट है, इस वजह से दोस्तों मैं इन चारों को ही टीम में ट्राई करूंगा। आप चाहो तो किसी और को ही मौका दे सकते हो दोस्तों। मैं इन चारों को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि जब ड्रीम इलेवन हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि 4 ऑलराउंडर आप ले सकते हो, तो मैं इन चारों को जो कि इंपैक्ट प्लेयर हैं दोस्तों, चारों को ही टीम में ट्राई कर रहा हूँ। और चारों ही दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ से ऑप्शन की बात करें दोस्तों, सैगड़े आपके लिए 7 खेलती हुई नजर आ जाए दोस्तों। उसके अलावा और कोई इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। यहाँ से मटकर जरूर आपको ठीक ठाक ऑप्शन हो जाता है, शायद इन्हें टीम मौका दे दे और आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस करके भी दे सकते हैं। आप चाहो तो किसी की जगह इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो 4 बेस्ट ऑलराउंड थे मैंने वो टीम में ट्राई किया। चलिए बात करते हैं यहां से बॉलिंग डिपार्टमेंट की। यहां से बात करें धवल कुलकर्णी, धवल कुलकर्णी को आपने देखा होगा एवरेज परफॉर्मेंस करा, 5 मैच में 5 विकेट ही निकाल के दिए। हालांकि टीम के कैप्टन है, आप चाहो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो अवॉइड भी कर सकते हो। फिर आपके लिए टीम में थोड़ी सी बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी महंगे हैं दोस्तों। यदि आपके लिए 2 कॉम्बिनेशन अच्छे लगते हैं, जी हाँ दोस्तों 2 कॉम्बिनेशन अच्छे लगते हैं, जैसे कल मैंने वीडियो उपलब्ध कराया, तो कमेंट कर दीजिएगा। अगले से जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, उसमें 2 कॉम्बिनेशन उपलब्ध करा दूंगा। यदि आपको अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। उसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ से सलमान खान को मैंने टीम में ट्राई किया, आपके लिए काफ़ी इंपैक्ट प्लेयर साबित हो सकते हैं। इन्होंने के दोस्तों लगभग 3 मैच में मौका दिया गया और 4 विकेट उन्होंने निकाल के दिए। लास्ट मैच में भी इन्होंने 2 विकेट निकाले थे। वहीं बात करें निहाल आपको आप टीम में ट्राई कर सकते हो, इन्होंने पूरी टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी करके दी। और अभी तक यदि दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं शेयर करता रहता हूँ। यहाँ से दीपक को भी मैंने टीम में ट्राई किया, आपके लिए खेलती हुई नजर आ सकती हूँ और आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस करके ये भी दे सकते हूँ। और ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, इतना अच्छा ऑप्शन आपके लिए कोई है नहीं। जैसे दोस्तों फाइनल अपडेट आएगी, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। चलिए बात करते हैं यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन की। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें दोस्तों, इस मैच में भी आपके लिए कोई टेंशन आने वाली है नहीं, काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। सबसे पहले दोस्तों 4 ऑलराउंडर आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। इनमें से भी दोस्तों मैं बेस्ट चॉइस बताऊं तो अर्जुन तेंदुलकर और दोस्तों यहाँ से पराग आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही आपके लिए टॉप ऑर्डर में फर्स्ट डाउन और ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। उसके अलावा दोस्तों आपके लिए ठक्कर शानदार ऑप्शन है एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। ठक्कर को भी लास्ट मैच का परफॉर्मेंस देखते हुए, क्योंकि 65 रन की नाबाद इनिंग्स इन्होंने खेल के दी थी। वहीं आपके लिए वशिष्ठ भी शानदार ऑप्शन, बिस्टा भी आपके लिए शानदार ऑप्शन है। मैं अपनी टॉप 3 ऑप्शन के बारे में
मैं बात करूं दोस्तों एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, तो अर्जुन तेंदुलकर, मुलानी और दोस्तों यहां से पराग, मेरे लिए तीन बेस्ट ऑप्शन है यहां से कैप्टन वाइस कैप्टन के। आप इनमें से टीम में ट्राई कर सकते हो अपने कैप्टन वाइस कैप्टन। दोस्तों यदि आपके लिए मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो आप यहां से टीम का कॉम्बिनेशन भी देख सकते हो। यहां से मेरे पास चार बॉलर लगभग इनके हो गए और चार बल्लेबाज होगा दोस्तों, मतलब मैंने आठ प्लेयर कवर किए एक हिसाब से एक टीम के। वहीं बात की जाए दोस्तों इनके तीन बॉलर मैंने यहाँ से कवर किए और चार बल्लेबाज, लगभग सात इनके कवर किए हैं, तो आप टीम का संतुलन देख सकते हो। बेस्ट दोस्तों मेंटेन टीम है, बस अब हमारे डिपेंड करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन वाइस कैप्टन जो हमने बनाए हैं वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, जीत हार वो डिपेंड करेंगे। तो आप इस टीम के साथ जा सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।